आज हम बनाएंगे एक बहुत ही आसान सा टेरेरियम एक फिश बोल में। हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं स्वाति और आप देख रहे हैं बैकयार्ड गार्डनिंग। तो मैं ले रही हूं ये फिश बोल। इसमें हम सबसे पहले नीचे कुछ स्टोन्स डालेंगे, कुछ पेबल्स डालेंगे। आपके पास कुछ भी हो, छोटी मोटी गिट्टी, रोड़ी, पत्थर, सब आप कुछ भी डाल सकते हैं। नीचे पत्थर या गिट्टी की एक लेयर बनाने का पर्पस ये है कि अगर कभी आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो वो नीचे ड्रेन ऑफ हो जाएगा और आपके पौधे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब मैं इसके ऊपर एक बहुत पतली सी प्लास्टिक शीट लगा रही हूँ जिसमें मैंने कुछ होल्स किए हैं। उसके ऊपर मैं एक्टिवेटेड चारकोल की एक लेयर डालूंगी। एक्टिवेटेड चारकोल टेरेरियम में एक्सेस मॉइस्चर खींच लेता है जिससे किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। अब मैं एक पेपर की शीट इस तरीके से लगाऊंगी क्योंकि दूसरी तरफ मैं डालने वाली हूँ पॉटिंग मिक्स जिसमें हम पौधा लगाएंगे। चूँकि एक स्लोप में लगा रही हूँ मैं, इसलिए मैंने ये पेपर इस तरीके से लगाया है जिससे ज़्यादा सॉइल दूसरी तरफ ना गिर सके। अब मैं इसमें सिंगोनियम का प्लांट डालूंगी। आप जिस तरीके का भी पौधा यूज़ करना चाहते हैं अपने टेरेरियम में, आपका पॉटिंग मिक्स उसी हिसाब से होना चाहिए। सिंगोनियम को मॉइस्चर पसंद होता है इसलिए मिट्टी के साथ मैंने इसमें कोकोपीट डाला है। अगर आप कोई सक्यूलेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आपका पॉटिंग मिक्स बिल्कुल डिफरेंट होगा, उसमें सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं इसमें ब्लू सैंड डालूंगी जिससे रिवर या ओशन वाला लुक आए। अब इसमें हम फ्लैट स्टोन से स्टेप्स बनाएंगे और बाकी का डेकोरेशन कंप्लीट करेंगे। व्हाइट कलर की फेंस डालने के बाद मैंने छोटे छोटे स्टोन चिप्स डाले, वो भी व्हाइट कलर में ही थे, तो दोनों एक साथ लगाने के बाद उतना लुक नहीं आ रहा था, इसलिए बाद में मैंने व्हाइट फेंस हटा करके उसमें ब्राउन कलर की फेंस लगा दी सेम जगह पे। और उसके बाद कुछ मिनिएचर्स लगा के इसका लुक मैंने कंप्लीट किया। अब बात करते हैं कि टेरेरियम में हमें वाटरिंग कैसे करनी है। तो टेरेरियम में कभी भी आप मग से या पाइप से पानी ना डालें, हमेशा इसकी मिस्टिंग करनी है। मतलब किसी स्प्रे बॉटल से हमेशा आप उसकी रूट्स के पास, स्टेम्स के पास में पानी डालें। बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, इसके पत्तों पे भी स्प्रे कर सकते हैं आप। साथ ही आपको अपना टेरेरियम ऐसी जगह रखनी है जिस तरीके का आपने उसमें प्लांट यूज़ किया है। इसमें मैंने सिंगोनियम लगाया है तो मतलब इसे मैं पार्शियल शेड वाली जगह पर रखूँगी। तो बस इस तरीके से आप सिंपल सा टेरेरियम बनाएं और उसको डेकोरेट करें अपने घर में। फिर मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जल्दी ही। बाय बाय।